Good morning, students. How are you? In last class, we solved question number 1 to 6 of exercise 1.3. Today, we will continue solving the exercise. Let's begin. Question number 7. 6 क्वेश्चन हमने कर लिए थे लास्ट क्लास में. आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से. अ मर्चेंट हैड रुपीज 78,592 विद हर. मर्चेंट मतलब व्यापारी. एक व्यापारी के पास 78,592 रुपीज थे. शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट रुपीज 1,200 ईच. अब उसने क्या किया, उसने 40 रेडियो के सेट्स ऑर्डर किए खरीदने के लिए. उसमें एक रेडियो सेट की जो कॉस्ट थी वो 1,200 रुपीज थी. 1,200 ईच मतलब एक रेडियो सेट की जो कॉस्ट थी वो 1,200 रुपीज थी. और कितने ऑर्डर दिए उसने, 40 रेडियो सेट का ऑर्डर किया. हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेस. तो 40 रेडियो सेट खरीदने के बाद उसके पास कितने मनी बची, कितने पैसे बचे. तो क्वेश्चन समझ में आया क्या था, मर्चेंट के पास 78,592 रुपीज हैं, उसको 40 रेडियो सेट खरीदने हैं जिसमें एक रेडियो सेट की कॉस्ट 1,200 रुपीज है. तो 40 रेडियो सेट खरीदने के बाद उसके पास कितना पैसा बचा, दिस इज द क्वेश्चन. तो क्या फाइंड करना पड़ेगा हमें, कॉस्ट ऑफ व्हाट, कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट इज गिवन. तो फर्स्ट यू फाइंड कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स. तो कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट इज 1,200 रुपीज. तो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट, एक का दिया हो ज्यादा का पूछा हो तो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन. तो हम इसको मल्टीप्लाई करके 40 रेडियो सेट का कॉस्ट मालूम चल जाएगा. तो कितना पैसा उसने खर्च किया मालूम चल जाएगा. तो टोटल अमाउंट हमें मालूम है, उसमें से जितना उसने खर्च किया उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना मनी उसके पास बचा हमें पता चल जाएगा, है ना. चलो सॉल्यूशन देखते हैं. अमाउंट ऑफ मनी विद द मर्चेंट. मर्चेंट के पास कितने अमाउंट है, 78,592. नंबर ऑफ रेडियो सेट्स कितने हैं, 40. प्राइस ऑफ वन रेडियो सेट क्या है, 1,200 रुपीज. सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट, तो 40 रेडियो सेट की कॉस्ट कैसे निकलेगी, 1,200 से मल्टीप्लाई करके. तो सी 10 तो है ही, इसमें पहले एक यहां लगा देंगे प्रोडक्ट में, फिर 4 से मल्टीप्लाई करके. तो 4 0 0, 4 0 0, 4 2 8, 4 1 4. तो इतना टोटल अमाउंट उसने रेडियो सेट खरीदने में खर्च कर दिया. अब क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेस, कि रेडियो सेट खरीदने के बाद उसके पास कितना पैसा बचा. तो रिमेनिंग मनी विद द मर्चेंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट कितना था उसके पास, 78,592, उसमें से माइनस कर दिया 48,000 को. तो माइनस आप कर सकते हो, है ना, माइनस आपको सिखाया यहां से, 2 - 0 - 2, 9 - 0 - 9, 5 - 0 - 5, 8 - 8 - 0, 7 - 4 - 3. इट मीन्स हाउ मच मनी लेफ्ट विद हर, 30,000 रुपीज, 30,000 रुपीज 592 रुपीज इज लेफ्ट विद हिम. तो आंसर इज रुपीज 30,592 विल रिमेन विद हर आफ्टर परचेसिंग द रेडियो सेट्स. तो समझ में आया क्वेश्चन क्या था, अमाउंट था एक मर्चेंट के पास, उसको 40 रेडियो सेट खरीदने थे, एक रेडियो की कॉस्ट दी थी. तो फर्स्ट यू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट, वो आपने फाइंड कर लिया मल्टीप्लाई करके, दिस इज 48,000. अब टोटल अमाउंट में से जितना उसने खर्च किया उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना अमाउंट उसके पास बचा वो हमें
पता चल गया. तो आंसर हो गया 30,592 विल रिमेन विद हर आफ्टर परचेसिंग द रेडियो सेट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 by 65 instead of multiplying by 56. What is the meaning of this line? कि एक बच्चे ने क्या किया, 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसे करना किससे था, 56 से. मतलब उसे क्वेश्चन दिया था कि 7,236 को 56 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन उसने 56 की जगह 65 से मल्टीप्लाई किया. तो बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर. अब 56 से मल्टीप्लाई करता तो आंसर उसका छोटा आता, 65 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर उसका बड़ा आया होगा. तो क्वेश्चन है कि कितना ज्यादा उसका आंसर आया है उसके करेक्ट आंसर से. ठीक है, अब वो देखेंगे. फर्स्ट, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट बाय हाउ मच द आंसर इज ग्रेटर वी मस्ट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोडक्ट्स. तो कितना ज्यादा आया है वो देखने के लिए क्या करेंगे, 65 से भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 56 से भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे. दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितना बड़ा आंसर आया है सही आंसर से. समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, कि 7236 को 65 से भी मल्टीप्लाई करो और 7236 को 56 से भी मल्टीप्लाई करो. दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका डिफरेंस फाइंड कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि कितना, हाउ मच द आंसर इज ग्रेटर. ठीक है, आप देखो नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द टू मल्टीप्लीकेशंस. अब हम क्या करेंगे, 56 और 65 इन दोनों में कितना डिफरेंस है, तो 65 माइनस 56 मल्टीप्लाई बाय 7236, इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे और जो डिफरेंस आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा डिफरेंस है दोनों के बीच में. तो हमने वही किया, 65 माइनस 56 मल्टीप्लाई बाय 7236. 65 में से 56 माइनस किया तो हाउ मेनी रिमेनिंग, 9 इज रिमेनिंग. 9 मल्टीप्लाई बाय 7236 तो आंसर हो गया 65,124. 9 को मल्टीप्लाई किया, 9 सिक्स 54, 4 यहां लिखा 5 कैरी, 9 थ्री 27, 27 प्लस 5 28, 29 30, 31 32 का 2, 3 कैरी, 9 2 जा 18, 18 प्लस 3 19, 20 21, 21 का 1, 2 कैरी, 9 7 जा 63, 63 प्लस 2 64, 65. तो ये आंसर है. तो वी डोंट नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लाई, हमको अलग अलग मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है. द स्टूडेंट आंसर वॉज ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर बाई 65,124. क्वेश्चन समझ में आया क्या था, कि इस नंबर को 56 से मल्टीप्लाई करना था, उसकी जगह पे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 65 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो एक तो ऑप्शन ये भी है कि आप पहले दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करो एक बार, फिर दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करो तो दूसरा मल्टीप्लीकेशन कर दिया. अब दोनों मल्टीप्लीकेशन करने के बाद उनका जो प्रोडक्ट आया है उसको सबट्रैक्ट करो तो आपको आंसर मिल जाएगा. लेकिन स्मार्टली आप ये भी काम कर सकते हो, डिफरेंस बिटवीन द टू मल्टीप्लीकेशन उस नंबर में से जिससे उसने मल्टीप्लाई कर दिया उसमें से जिससे करना था उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, 65 माइनस 56 मल्टीप्लाई बाय वो नंबर जिसे जो मल्टीप्लिकेंट था हमारा, है ना. तो 9 मल्टीप्लाई 7236 किया तो हमको डायरेक्ट आंसर मिल गया. तो द स्टूडेंट आंसर वाज ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर बाय 65,124. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड. एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, कपड़ा चाहिए एक शर्ट बनाने के लिए. आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लोथ विल रिमेन. अब उनके पास टोटल 40 मीटर क्लोथ है तो ये क्वेश्चन है कि 40 मीटर क्लोथ से कितनी शर्ट बनेंगी और हाउ मच क्लोथ विल रिमेन और कितना कपड़ा बच जाएगा.
तो एक शर्ट में कितना लगता है वो हमें मालूम है कि एक शर्ट बनाने के लिए 2 meter 15 centimeter क्लोथ लगता है और टोटल हमारे पास कितना कपड़ा है 40 meter। तो 40 मीटर में से कितनी शर्ट्स बनेंगी और कितना कपड़ा बचेगा, तो क्या होगा क्वेश्चन में, डिवाइड, क्योंकि एक का दिया हुआ है और टोटल क्लोथ दिया, उसमें से कितनी शर्ट बनेगी, तो कम ही शर्ट बनेगी ना, तो जब इस तरीके के सम होते तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, टोटल लेंथ ऑफ द क्लोथ, कितनी टोटल लेंथ दी हुई है क्लोथ की, 40 मीटर। अब 40 मीटर के यूनिट को हमने कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, तो 1 meter इज इक्वल टू 100 centimeter, तो 40 meter इज इक्वल टू 40 multiplied by 100, इट मीन्स 4000 centimeter। ठीक है, क्लोथ नीडेड टू स्टिच अ शर्ट, एक शर्ट बनाने के लिए कितना कपड़ा लगता है, 2 meter 15 centimeter। अभी दिस इज हाफ इन मीटर हाफ इन सेंटीमीटर, तो कन्वर्ट दिस मीटर इंटू सेंटीमीटर, 1 meter इज इक्वल टू 100 centimeter, तो 2 meter इज इक्वल टू 2 multiplied by 100, प्लस ये तो सेंटीमीटर में है ही, इसको हम प्लस कर देंगे तो 200 + 15 इज इक्वल टू 215 centimeter। दोनों यूनिट हमने सेम बना दी, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर, क्वेश्चन में हमें ये मीटर में दिया था, ये आधा मीटर में था आधा सेंटीमीटर में था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, टोटल लेंथ ऑफ द क्लोथ इज 40 meter, कन्वर्ट दिस मीटर इंटू सेंटीमीटर, तो वी नो दैट 1 meter इज इक्वल टू 100 centimeter, सो 40 meter इज इक्वल टू 40 multiplied by 100 इज इक्वल टू 4000 centimeter। क्लोथ नीडेड टू स्टिच अ शर्ट, एक शर्ट बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, 2 meter 15 centimeter, सो 1 meter इज इक्वल टू 100 centimeter, तो 2 meter इज इक्वल टू 200 + 15 इज इक्वल टू 250 centimeter। सो देयरफॉर नंबर ऑफ शर्ट्स स्टिच, तो कितने शर्ट्स बनेंगी, तो टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ डिवाइडेड बाय लेंथ नीडेड फॉर अ शर्ट, मतलब टोटल क्लोथ को हम एक शर्ट के लिए जितना कपड़ा चाहिए उससे डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी शर्ट्स बनेंगी और जो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा वो कितना कपड़ा बचा। सी देखो, 40,000 को हमने किससे डिवाइड किया, 215 से, सो 215 × 215, ठीक है। अब 0 से 5 सब्ट्रैक्ट किया, नहीं होगा, यहां से बोरो करेंगे, यहां भी 0 है, यहां से भी ले सकते तो यहां से लेंगे, 4 से 1 बोरो किया तो यहां हो गया 10, अब इस 10 से बोरो किया यहां तो यहां क्या रह गया, 9, और यहां रह गया 3, तो 10 - 5 = 5, 9 - 1 = 8, 3 - 2 = 1, अब डाउन किया ये 0, ठीक है, डाउन किया ये 0, सो 215 × 8 = 1720, ठीक है, 1720। अब ये 0 से 0 हो गया, 5 - 2 = 3, 8 - 7 = 1, तो हमारा बच गया 130। बेटा यहाँ पे 1 0 ज्यादा लग गया है, ये 0 नहीं है, ओनली 4000 ना, 40 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया था, 4000 centimeter, ठीक है, ये 0 एक्स्ट्रा है, ये काम का नहीं है, ठीक है, तो 4000 / 215, तो आंसर क्या आया, 18 centimeter, है ना, 18 centimeter, 18 shirts, the number of shirts stitch is equal to 18 and the remaining cloth is equal to 130 centimeter, तो ये जो आया हमारा आंसर जो आया, तो मतलब इतनी शर्ट्स तो पूरी पूरी बन जाएंगी और कितना कपड़ा बच गया, 130 centimeter, तो 130 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे मीटर और सेंटीमीटर में, सो 100 सेंटीमीटर इसको 100 से डिवाइड किया हमने तो 1 meter और 30 centimeter, इसका मतलब क्लोथ कितना बच गया, 1 meter 30 centimeter कपड़ा बच गया। तो पता चल रहा है क्या किया क्वेश्चन में, टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ दी हुई थी, ये 0 नहीं है बेटा, है ना, ये 0 नहीं है, 4000 था ना हमारा आंसर, तो यहां पे ये 0 नहीं आएगा। सो चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं बेटा, ये आपको समझ में आ गया, यहाँ पे 4000 खाली है क्योंकि 40 मीटर था ना, 40 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 4000 सेंटीमीटर, तो 4000 को हमने 2 meter
टू मीटर उससे हमने वो कर दिया, डिवाइड कर दिया तो 18 आया. तो 18 क्या बन गई, शर्ट्स बन गई. 18 क्या बन गई, शर्ट्स बन गई. और क्या बन गया, बचा कितना, 130 बचा. तो 130 मतलब 130 मतलब सेंटीमीटर. तो कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर. तो हाउ मेनी क्लोथ इज रिमेनिंग, 1 meter 30 centimeter क्लोथ इज रिमेनिंग. और कितनी शर्ट्स बनेंगी, 18 शर्ट्स बनी. तो क्वेश्चन समझ में आया क्या किया, ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट इज, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या था, टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ दी थी, एक शर्ट में कितना कपड़ा लगता है वो दिया था, कितनी शर्ट्स बनेंगी और कितना कपड़ा बचा. तो हमने टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ को कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, और एक शर्ट में जितना कपड़ा लग रहा था उसको भी टोटल सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया. द नंबर ऑफ शर्ट स्टिच इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ डिवाइडेड बाय लेंथ नीडेड फॉर अ शर्ट. डिवाइड किया तो 18 जो हमारा आंसर आया, इट मींस इतने नंबर ऑफ शर्ट्स स्टिच होंगी. द नंबर ऑफ शर्ट स्टिच इज इक्वल टू 18 और रिमेनिंग क्लोथ जो बचा दिस इज 130. तो इट मींस 1 meter 30 centimeter कपड़ा हमारा बच गया. ओके, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट करेंगे. मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस, ईच वेइंग 4 kg 500 gram. हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg. मेडिसिन को बॉक्स के अंदर पैक किया है और एक बॉक्स की जो वेट है दिस इज 4 kg 500 gram, वो कितनी है, 4 kg 500 gram है. अब एक वैन है, उनको उन बॉक्सेस को किसमें लोड कर रहे हैं, वैन में लोड कर रहे हैं. उस वैन की जो कैपेसिटी है दिस इज 800 kg, मतलब वो 800 kg तक ही ले सकती है वैन के अंदर, उससे ज्यादा वेट नहीं ले सकती. तो क्वेश्चन इज हाउ मेनी सच बॉक्सेस, तो ऐसे मतलब इतने वेट के कितने बॉक्सेस उस वैन में लोड कर सकेंगे जो खाली 800 kg तक ही वेट ले सकती है. तो एक बॉक्स का वेट दिया है और टोटल वेट दिया हुआ है कि इतने ही वेट तक वो कैरी कर सकती है. तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है, ठीक है. तो फर्स्ट वेट ऑफ वन बॉक्स. अब ना जब दो टाइप के यूनिट्स होते हैं तो हम उनको एक सेम यूनिट पे कन्वर्ट कर लें, दिस इज किलोग्राम एंड ग्राम, दिस इज किलोग्राम. तो हम दोनों यूनिट्स को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है. तो वेट ऑफ वन बॉक्स इज इक्वल टू 4 kg 500 gram इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम इन 1 kg, 1000, है ना. 1 kg इज इक्वल टू 1000 gram. तो 4 kg इज इक्वल टू 4 × 1000, इट इज 4000 प्लस 500 is equal to 4500 gram. The van can carry maximum of 800 kg. तो 800 को 1000 से ग्राम, 1000 gram से, क्योंकि 1 kg is equal to 1000 gram. तो 800 kg is equal to 800 × 1000. तो कितना हो जाएगा, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,000,000, 800,000 gram, ठीक है. 800 kg को हमने कन्वर्ट कर दिया ग्राम में तो बन गया 800,000 gram. दोनों सेम यूनिट हो गई. नेक्स्ट, नंबर ऑफ बॉक्सेस विच द वैन कैन कैरी. तो वैन कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस कैरी कर सकती है, वेट द वैन कैन कैरी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वन बॉक्स. वो वेट जो वैन कैरी कर सकती है उसको डिवाइड कर देंगे वेट ऑफ वन बॉक्स से, है ना. सो 800,000 डिवाइडेड बाय 45,000. अब यहां देखो, हमने 45,000 से 5 माइनस नहीं हो सकता, यहां से बोरो किया, यहां हो गया 10, 10 माइनस 5, 5, यहां रह गया 7, 7 माइनस 4, 3, ठीक है. अब एक जीरो डाउन किया, 35,000 हो गया ये, तो 45,000 7 जा 31,500 होता है. तो क्यों, 7 0 0, 7 0 0, 7 5 35, 5 का 5 3 carry, 7 4 28 plus 3 31, ठीक है. यहाँ माइनस किया 0 minus 0 0 0 minus 0 0, यहाँ से बोरो किया 10 10 minus 5 5, यहाँ रह गया 4 4 minus 1 3, यहाँ तो 0 रह गया. अब इस 0 को डाउन कर लिया,
Again, this is 35,000. Again, it goes 7 times. 7 is 31,500. The remaining is 35,000. ठीक है, तो इसका मतलब टोटल कितने बॉक्स हम वैन में कैरी कर सकते हैं? 177. इतना जो रह गया रिमेनिंग, मतलब वो रह जाएगा, वो वैन में नहीं जाएगा. उन्होंने हमसे क्या क्वेश्चन किया, व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ मेनी सच बॉक्सेस, इतने वेट के 4 kg 500 ग्राम वेट के कितने बॉक्सेस वैन में लोड कर सकते हैं. तो दिस इज 177 बॉक्सेस कैन ओनली बी लोडेड इन द वैन. जो रिमेनिंग रह गया वो वैन में नहीं जाएगा, मतलब टोटल सिर्फ कितने बॉक्सेस जाएंगे, 177 बॉक्सेस कैन ओनली बी लोडेड इन द वैन. समझ में आया क्वेश्चन क्या था? एक बॉक्स का वेट दिया था, दिस इज 4 kg 500 ग्राम, और एक वैन में वो बॉक्सेस लोड हो रहे थे, और कैपेसिटी ऑफ दिस वैन इज 800 kg. वो वैन सिर्फ 800 kg तक ही वेट को कैरी कर सकती है. तो फर्स्ट यू कन्वर्ट ऑल द यूनिट्स इन सेम यूनिट. तो हमने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया. तो वेट ऑफ वन बॉक्स इज 4 kg 500 ग्राम, दिस इज 4,500 ग्राम, और 80 kg को हमने कन्वर्ट कर दिया 800,000 ग्राम में. नंबर ऑफ बॉक्सेज विच द वैन कैरी इज इक्वल टू वेट द वैन कैन कैरी डिवाइडेड बाई वेट ऑफ वन बॉक्स. इतने टोटल वेट को जितनी वैन कैरी कर सकती है डिवाइड कर दिया एक बॉक्स के वेट से. तो जो हमारा आंसर आया, इट मीन्स इतने बॉक्सेस कैन कैरी ओनली बाय ओनली बी लोडेड इन द वैन. इतने ही बॉक्सेस वैन कैरी कर सकती है, जो रह गया वो रह जाएगा, वो वैन में नहीं जाएगा. समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ अ स्टूडेंट इज 1 kilometer 875 meter. इट मीन्स एक बच्चे का स्कूल और घर के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज 1 kilometer 875 meter. एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज. अब सही बात है ना, एक बार वो स्कूल से घर से स्कूल जाएगी और फिर स्कूल से घर आएगी, तो दो बार चलेगी. फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days. तो 6 days में वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी. क्वेश्चन समझ में आया? व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस. एक बच्चे का स्कूल से घर तक का डिस्टेंस दिया है. अब आप भी स्कूल आते हो तो घर से स्कूल आते हो, फिर छुट्टी होने के बाद स्कूल से घर जाते हो, तो मतलब कितने चक्कर लगते हैं? 2 चक्कर लगते हैं ना एक दिन में. तो वही दिया हुआ है, एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज. दो बार वो घर से स्कूल और स्कूल से घर जाती है. तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days. तो 6 days में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी. तो पहले क्या करना पड़ेगा, एक दिन में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है वो कवर करना पड़ेगा, है ना. तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 2 चक्कर लग रहे हैं ना, घर से स्कूल और स्कूल से घर, तो 2 times हो गया. तो जो डिस्टेंस दिया है उस डिस्टेंस को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 day का मालूम चल जाएगा. अब 1 day का जब हमें मालूम चल जाएगा तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days. उस आंसर को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 days का मालूम चल जाएगा, है ना. So what is given in the question, distance between school and house is equal to 1 kilometer 875 meter. So first you convert this kilometer into meter. Hum ek unit bana lenge. So 1 kilometer is equal to 1,000 meter. So 1,000 + 875 is equal to 1,875 meter. Distance traveled by the student in both ways. Maine aapko bataya na, aap bhi jab school aate ho to ghar se school aate ho, फिर स्कूल से घर जाते हो, तो 2 चक्कर लगते हैं ना. तो एक दिन में 2 चक्कर, तो एक दिन एक डिस्टेंस हमको मालूम है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके उसका एक दिन का कितना डिस्टेंस कवर करती है वो मालूम चल गया. 2 × 1875, 2 5s are 10 का 0, 1 carry, 2 7s are 14 + 1 15 का 5, 1 carry, 2 8s are 16 + 1 17, 1 carry, 2 1s are 2 + 1 3. It means the distance covered by her in 1 day is 3,750. तो 1 day का distance हमें मालूम चल गया. अब 6 days का 6 से multiply कर देंगे. Distance traveled in 6 days is equal to
3750 मीटर मल्टीप्लाई बाय 6, 6 से मल्टीप्लाई किया, देखो 6 जीरो जा 0, 6 फाइव जा 30, 30 का 0, 3 कैरी, 6 सेवन जा 42, 42 प्लस 3 43, 44, 45, 45 का 5, 4 कैरी, 6 थ्री जा 18, 18 प्लस 4, 19, 20, 21, 22, 22,500 मीटर इज द आंसर. अब इस मीटर को किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट कर दो. सो हाउ मेनी मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर? 1000 मीटर ना, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 22 किलोमीटर 500 मीटर आंसर आ गया. सो हेंस टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज इज इक्वल टू 22 किलोमीटर 500 मीटर. क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है बेटा, समझ लोगे तो इजी हो जाएगा. एक टोटल डिस्टेंस दिया हुआ था बिटवीन स्कूल एंड हाउस. स्कूल और घर के बीच का जो डिस्टेंस है एक बच्चे का, वो दिस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर. एवरीडे शी वॉक्स बोथ वेज, है ना. ये मैंने आपको बताया कि आप भी घर से स्कूल आते हो, फिर स्कूल से घर जाते हो, तो एक दिन में दो चक्कर लगाते हो, तो जो डिस्टेंस होता है आपके स्कूल और घर के बीच का, वो एक दिन में दो बार कवर करते हो. तो ऐसे ही उसने भी किया. तो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई दिस डिस्टेंस बाय 2. उसको हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई करके टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टूडेंट इन बोथ वेज निकाल दिया कि एक दिन में वो इतना डिस्टेंस कवर करती है. तो क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज. तो 6 डेज में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 डेज इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 6. 6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा मीटर में आया, क्योंकि हमने क्या किया था, कन्वर्ट कर दिया था मीटर में. फिर नाउ यू कैन कन्वर्ट दिस मीटर इनटू किलोमीटर एंड मीटर डिवाइड बाय 1000, क्योंकि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. 22,500 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो योर आंसर इज 22 किलोमीटर 500 मीटर. तो आंसर हो गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज इज इक्वल टू 22 किलोमीटर 500 मीटर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. A vessel has 4 liters and 500 milliliter of curd. एक बर्तन में 4 लीटर 500 milliliter curd है. curd मतलब दही. In how many glasses each of 25 milliliter capacity can it be filled? अब उस vessel में जो curd है, उस curd को छोटे छोटे glasses में भरा, और एक glass की capacity कितनी है? 25 milliliter. मतलब एक ग्लास के अंदर 25 मिलीलीटर कर्ड आता है. तो ऐसे कितने ग्लास फिल होंगे? तो क्या करोगे? टोटल क्वांटिटी ऑफ कर्ड दी हुई है और एक ग्लास की कैपेसिटी दी हुई है, और कितने ग्लासेस भरेंगे? तो टोटल कैपेसिटी को अगर हम एक ग्लास की कैपेसिटी से डिवाइड कर दें तो वी गेट द आंसर. लेकिन एक ग्लास की कैपेसिटी किसमें दी हुई है? मिलीलीटर में. तो फर्स्ट यू कन्वर्ट दिस लीटर इंटू मिलीलीटर. तो इसको पूरा हम पहले मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे. सी क्वांटिटी ऑफ कर्ड इन अ वेसल. एक वेसल में कितनी क्वांटिटी ऑफ कर्ड है? 4 लीटर 500 मिलीलीटर, है ना. तो 4 लीटर को हमने कन्वर्ट किया. यहां पे बेटा 1 नहीं है, ये लीटर है, एल है. यहां पर ये एल है, 1 नहीं है. हाँ, ये 4 लीटर है, 41 नहीं है बेटा, एल है. 4 लीटर 500 मिलीलीटर. तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. 4 लीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 1000. ये तो मिलीलीटर में है ही, 500 प्लस 500. तो दिस इज 4500 मिलीलीटर. और कैपेसिटी ऑफ ग्लास ऑफ 1 ग्लास तो हमें दी हुई है मिलीलीटर में, 25 मिलीलीटर. सो देयरफॉर नंबर ऑफ ग्लासेस इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ कर्ड इन वेसल डिवाइडेड बाय कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास. जितनी टोटल क्वांटिटी दी हुई है हमें कर्ड की, उसको हम कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास से डिवाइड कर देंगे. सो 4500 डिवाइडेड बाय 25, आंसर इज 180. आप डिवाइड करके देखना, साइड में रफ वर्क आपको करना है, साइड में करके मुझे दिखाना है, सीधे कॉपी नहीं करने हैं क्वेश्चंस. 4500 को आप यहां पे साइड में 25 से डिवाइड करके मुझे दिखाओगे तो आंसर इज 180. 180 ग्लासेस कैन बी फिल्ड विद कर्ड. इसका मतलब 25 मिलीलीटर कैपेसिटी वाले ग्लास कितने फिल होंगे? 180 ग्लासेस कैन बी फिल्ड विद दिस कर्ड. समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, अभी एक्सरसाइज पूरी होती है आज. सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज 1.2 आज हमने कर दिया. इन योर नोटबुक में आपको करना है, ठीक है. कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टडी हार्ड.
बाय।